हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑन अ सिंगल टॉपिक, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी डिटेल में। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस अराउंड 20 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर आप एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर गेटिंग वेरियस इंफॉर्मेशन, वो किसको एड्रेस करके लिखते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो जब भी आप एक आरटीआई को फाइल करते हैं तो दैट यू एड्रेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, ऑल दो एप्लीकेशन तो क्लास टीचर को दी जाती थी, बट आप एड्रेस किसे करते थे? टू द प्रिंसिपल। ठीक है, सो उसी तरह से जब आप आरटीआई लिखते हैं तो आरटीआई जो है वो किसको एड्रेस की जाती है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को की जाती है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एक्ट के एम्बिट के अंदर पड़ती है और आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टू कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आपको तारीख बतानी है जिस दिन आरटीआई 2005 इनैक्ट हुआ। ठीक है, साल तो पता है पर तारीख भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, सो आरटीआई एक्ट का जो बिल लाया गया था उसे पार्लियामेंट में पास वो होता है 15 जून को, लेकिन आप जैसे जानते हैं अभी तक आप पॉलिटी भी क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है, मेरे जो भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे आपने वो देखे हैं, सो यू नो कि कोई भी कानून बनने के लिए पहले उसका बिल बनाया जाता है, उसे पास किया जाता है पार्लियामेंट में और फिर उस पर जब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, देन इट बिकम एन एक्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बिल भी पास होता है पार्लियामेंट में 15 जून को और प्रेसिडेंट के असेंट जो है वो भी इसे 15 जून को मिलता है, बट ये कम इनटू फोर्स। ठीक है, उस दिन ये एक्ट हो गया, इन एक्ट पास हो गया एक्ट, लेकिन फोर्स में कब आया? क्योंकि यहां पे फोर्स में पूछा गया है, तो फोर्स में ये आया 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, जैसे आप कहे संविधान पास हो गया था लेकिन वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी 1950 को। ऑल्दो वो बनकर तैयार पहले हो गया था बट वो इनैक्ट कब होता है? 26 जनवरी को। उसी तरह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया जाता है 15 जून को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, बट ये इनैक्ट होता है 12 अक्टूबर को। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना। जून 15 उसकी एक्ट की पास की डेट है। ठीक है, जिस दिन वो पार्लियामेंट से उसको असेंट मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हु कैन फाइल एन आरटीआई? आरटीआई कौन कौन फाइल कर सकता है? सिर्फ भारतीय नेशनल्स? क्या फॉरेन नेशनल भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं या दोनों फाइल कर सकते हैं या कोई भी नहीं? तो नन ऑफ द अब तो हो नहीं सकता क्योंकि हम तो फाइल कर ही सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो तो हो ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका पहले ही एलिमिनेट, पहला पार्ट जो है, ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको बाकी तीन में से देखना है। ओनली इंडियन नेशनल्स तो होते ही हैं, क्या फॉरेन नेशनल्स को भी हक है आरटीआई का? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज का हक नहीं है। सिर्फ भारत के नागरिक ही जान सकते हैं कि सरकार किस तरह के डिसीजन ले रही है, किस तरह से काम हो रहे हैं, क्योंकि वही भारत के आप एक तरह से कहे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हीं को इस चीज का हक देता है। ठीक, सो आरटीआई कौन कौन फाइल कर सकता है? ओनली इंडियन नेशनल्स, नॉट फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, विदेशी आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, इसीलिए आरटीआई फाइल करेंगे तो वहां पे सिटीजन स्टेटस भी मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फी पेड बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल अ फर्स्ट अपील? सो फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए
क्या फी पे की जाती है आरटीआई के अंडर अगर आपको पहली अपील फाइल करनी है। आप देखते हैं कि जब अगर आपको आपने जो आरटीआई फाइल की और उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप उसके सुपीरियर ऑफिस में भी जा सकते हैं ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जाते हैं, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जा सकते हैं। तो इस तरह से जो अपील जो है वो रेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट अपील जब आप फाइल करते हैं तो क्या फीस आप पे करते हैं, दैट इज बीन आस्क। तो मिनिमम फीस जो होती है ₹10 की होती है, बट फर्स्ट जब आप अपील फाइल करते हैं सो मोस्टली देर इज नो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा देर इज अ मिनिमल चार्ज ऑफ ₹10 जो कि स्टैम्प का और उस चीज का चार्जेस लिया जाता है। बाकी वेरियस जगह इट हैज बीन मेंशन कि यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती, बट वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मिनिमल प्राइस क्या होता है, ₹10 होता है, ठीक है। सो फर्स्ट अपील पे अपील फाइल करने के टाइम पे द मिनिमल फी यू विच यू हैव टू पे इज ₹10। अगर आप पर्सनली जाके उस चीज़ को करते हैं, मतलब रिटर्न में जाके फाइल देते हैं, अगर तो आप स्टैम्प वगैरह से बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो मिनिमल फाइस जो रुपीज़ है फी जो है वो आपको ₹10 पे करनी पड़ती है। अगर आप बाय पर्सनल जाके दे रहे हैं हैंड रिटन नोट से जाके एप्लीकेशन में हिंदी इंग्लिश वगैरह में लिख के आप उसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को बाय हैंड दे रहे हैं तो यू नीड नॉट टू पे एनी फी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। सो आरटीआई फाइल करने के लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया रखा गया है कि आप इतनी एज के होंगे तो ही आरटीआई को फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो 18 ईयर्स एंड अबव, 45 ईयर्स एंड अबव, 16 ईयर्स एंड अबव, नो एज बार। सो एज सच ये जो एक्ट है इसमें किसी भी तरह का कोई भी एज बार नहीं रखा गया है टू फाइल अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सारे सिटीजन्स का, नागरिक का हक है। सिर्फ आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक वे से इस रिक्वेस्ट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है उसमें लिखनी होती है कि क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, बट एज का कोई भी बार नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए, एज का कोई भी बार इसमें नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट कि जो बच्चे अभी तक कॉन्स्टेबल का कोर्स उन्होंने परचेज नहीं किया है तो वो द मंजिल भारत ऐप पे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ ₹299 जिसपे उनको कंप्लीट कोर्स जो है कॉन्स्टेबल का वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये ऑफर थोड़ी देर के लिए है क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास आ रहा है, ठीक है। सो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रीएम्बल टू द आरटीआई एक्ट स्टेट्स दैट इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वाइटल टू, ठीक है। तो जो आरटीआई एक्ट है उसका जो प्रीएम्बल है, प्रीफेस, जैसे आपकी कोई बुक होती है तो उसका फ्रंट पेज होता है जिसमें एक्नॉलेजमेंट या प्रीफेस लिखा गया होता है, तो उसी तरह से जो इसका प्रीएम्बल है आरटीआई एक्ट का उसमें कहा गया है कि ये जो आरटीआई एक्ट है या ट्रांसपेरेंसी है वो किस लिए जरूरी है, टू इरेडिकेट करप्शन, टू प्रमोट करप्शन, टू कंटेन करप्शन या टू मेजर करप्शन। सो इट इज टू इरेडिकेट द करप्शन। आरटीआई का फायदा किस लिए होगा कि जितनी ज्यादा ओपन वे से गवर्नमेंट काम करेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को जानकारी होगी कि गवर्नमेंट आपकी रिक्वेस्ट पे या आप जो सर्विस अवेल करना चाहते हैं उस पर कहां काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो करप्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इरेडिकेट से, क्योंकि इरेडिकेट तो हो गया कि कंप्लीट खत्म करना, उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट वुड बी कंटेन, कि उसे थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। इरेडिकेट तो उसे खत्म करने में तो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, बहुत सारे लोगों का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, इवन हर छोटे से छोटा पब्लिक सर्वेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बट वाया आरटीआई हम क्या कर सकते हैं, हम उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी कंटेन करप्शन। कंटेन का मतलब हुआ उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट कि अगर आप कॉन्स्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे द मंजिल भारत ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ ₹99 जिसपे आपको ना केवल 5 टेस्ट मिलेंगे बल्कि पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे कोर्स के। तो आप मंजिल भारत ऐप पे जाके इसका फायदा उठा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फेसेट ऑफ. राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो किससे निकला हुआ है, संविधान में कहां मेंशन है, या किसका एक तरह से आप कहें प्रतिबिंब है, फेसेट है. आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 20, आर्टिकल 32 या नन ऑफ द अबव. सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फेसेट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि बोलना, अपने आप को जाहिर करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, स्पीच करना, उसकी हर एक नागरिक को, वो उसका एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन भी इसी के अंडर आता है. जो आर्टिकल 19 है हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, उसमें ये कहा गया कि हर एक भारतीय नागरिक को पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की, एक्सप्रेस करने की. उसी में एक बात और कही गई है कि हर एक नागरिक को पूरा हक है इंफॉर्मेशन लेने का, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो आर्टिकल 19 के अंडर ही आता है. इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005. सो आरटीआई एक्ट जो है उसके कौन से सेक्शन के अंडर इंफॉर्मेशन कि आप जब इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, पब्लिक ऑफिसेस से, सो उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या उसमें सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, क्या उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उसमें सिर्फ मेमोज हैं, ईमेल्स हैं, ठीक है, वो सब चीजें किस में मेंशन की गई, किस सेक्शन के अंडर बताई गई है. सेक्शन 2 पार्ट ई, सेक्शन 2 पार्ट एफ, सेक्शन 2 पार्ट सी, सेक्शन 2 पार्ट जी. सो इट हैज बीन मेंशन इन सेक्शन 2 पार्ट एफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. टू एम्पावर द सिटीजन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कंटेन करप्शन. तो ये तीनों के तीनों इसके ऑब्जेक्टिव हैं. ये नागरिकों को एम्पावर भी करता है क्योंकि उनको जानकारी मिलेगी तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अगर उनका काम, उनको सर्विस प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रही है तो वो हाई अथॉरिटी के पास जा सकते हैं. सो ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है. ट्रांसपेरेंसी लाता है क्योंकि सब कुछ ओपन वे में हो रहा है, गवर्नमेंट को सब कुछ शो करना पड़ता है तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी है, एंड ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये करप्शन को भी कंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 एफ ऑफ आरटीआई एक्ट 2005. अभी हमने देखा कि सेक्शन 2 के पार्ट एफ में डिफाइन किया गया है कि इंफॉर्मेशन क्या है. सो इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स या ऑल ऑफ द अबव. सो इंफॉर्मेशन की जब बात की जाती है तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन, वो रिकॉर्ड की फॉर्म में हो, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, हर एक फॉर्म में दी जाती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. How many sections are provided in the Right to Information Act 2005? Right to Information 2005 के अंदर कितनी section mention की गई हैं? So there are total 31 sections. ठीक है? Total कितनी sections हैं? ये आपको याद रखना है. Individual sections आपसे जो important है वो पूछ सकते हैं. But as such आपको इसका पूरा जो number है कि कितने sections हैं वो ध्यान रखने हैं. As per RTI Act 2005, record includes. RTI Act के अंदर जहां हम record की बात करते हैं कि information में आपको record भी provide किया जाएगा, so record का क्या मतलब है? Document, manuscript और file, microfilm, microfiche, facsimile copy of document, any other material produced by computer or any other device, all of the above. So जब हम record की बात करते हैं ना तो record में ये सब चीजें आती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, कंप्यूटर से प्रोड्यूस कोई मटेरियल हो, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड.
द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. आपको बताना है पहला राज्य जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्ट को लाया. सो पहला राज्य तमिलनाडु था जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्ट लाया इन 1977. ठीक है, सेंट्रल लेवल पे ये 2005 में आता है. सॉरी 1997 है. 1997 में तमिलनाडु पहला राज्य बनता है जिसने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ को लाया. और उसके बाद सेकंड स्टेट जो है वो गोवा बनती है. सो गोवा इज द सेकंड स्टेट. द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री. जब हमने आरटीआई को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके अंदर हमने अमेंडमेंट को भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कमिश्नर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो ये पूरी देख रेख करते हैं कि आरटीआई एक्ट का पूरा फॉलो हो रहा है, उसके अंदर जो सिटीजन है उनको पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबव. सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन. इसके आगे पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन भी होता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हु अपॉइंट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, सीजेआई, पीएम, होम मिनिस्टर. सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम जो है सजेस्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, बट उनको जो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने का जो काम होता है, दैट इज विद द प्रेसिडेंट. हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? अभी प्रेजेंटली हमारे देश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? हीरालाल समारिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिमल जुल्का या सुधीर भार्गव? सो प्रेजेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो 2024 में इज हीरा लाल समरिया. सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमने देखा कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं. तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? सो प्रेसिडेंट के बिल्कुल एक तरह से आप बोले एक सेम लेवल पे जो स्टेज पे होते हैं वो कौन है? दैट ऑफिस इज ऑफ गवर्नर. सो सेंटर में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं. एज पर आरटीआई एक्ट 2005, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग. सो क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसमें ये प्रावधान दिया गया कि सेंटर और स्टेट के लेवल पर एक कमीशन सेटअप की जाएगी. कौन सी कमीशन सेटअप की जाएगी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. इन दोनों कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और बाकी उनके सबॉर्डिनेट, बाकी अदर मेंबर्स होंगे. वो मेंबर्स की जो आप एक तरह से कहें स्ट्रेंथ है वो कितनी रखी गई है इस एक्ट के अंदर, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है. इसमें पूछा गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ जो उसके सबॉर्डिनेट मेंबर्स होंगे उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 11, 9, 10 या 8. सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट इट कैन नॉट बी मोर देन 10. 10 से ज्यादा नहीं हो सकते उनके सबॉर्डिनेट. वो जो पूरी कमीशन बैठेगी उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और बाकी उनके सबॉर्डिनेट जो भी कमिश्नर्स बनाए जाएंगे वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम अंडर परव्यू ऑफ आरटीआई? आरटीआई के परव्यू के अंदर, मतलब कि अगर ऐसी इनमें से कौन सी बॉडी है जिसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आरटीआई के अंडर आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को. तो इनमें से वो कौन कौन सी बॉडीज हैं ये आपको बताना है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिसर्च एनालिसिस विंग, नन ऑफ द अबव. सो जब हमने आरटीआई को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अंडर सेक्शन 8 कुछ
इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्प्ट की गई है. हर इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के अंडर नहीं मिलती, ना ही आप किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं आरटीआई की. अगर आप चाहें कि नहीं मुझे अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी चाहिए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आप आरटीआई फाइल करें. ऐसी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, और ना ही आपको कोई ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि देश की सुरक्षा या अखंडता को किसी भी तरह का कोई आप एक तरह से कहें उसको किसी तरह से कोई अटैक करे या किसी तरह से खतरा पैदा करे. साथ ही कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिन्हें इनके परव्यू से बाहर रखा गया है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिसर्च एनालिसिस विंग. ये तीनों बॉडीज का जो भी इंफॉर्मेशन है अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल, आप आरटीआई के अंडर नहीं मांग सकते. सो ये तीनों की तीनों जो है दे डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ नन ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आरटीआई के परव्यू के अंदर नहीं आती है. ठीक, ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का वुड बी, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. मैंने आपको बताया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो नाम है वो एक कमेटी सजेस्ट करती है, अपॉइंट उन्हें प्रेसिडेंट करते हैं. अब उस कमेटी में मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर को हेड कौन करता है ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं. ठीक है, ये सब मिलकर नाम सजेस्ट करते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं जिनको नॉमिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं. सो इस कमेटी को हेड कौन करता है जो नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, वो कौन हो सकते हैं, सीजीआई, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट. तो आप इतना इस बात को एकदम ध्यान रख लें कि कोई भी कमेटी जहां पे प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे तो उस कमेटी के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे. ठीक, सो कौन हो जाएगा इनका, दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर. सो बिना बाय डिफॉल्ट कहीं भी कमेटी का अगर मेंबर प्राइम मिनिस्टर है तो उसके चेयरमैन भी वही होंगे. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. इसके साथ हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरटीआई डिस्कस किए हैं. आई होप इससे आपकी नॉलेज भी थोड़ी सी एनहेंस हुई होगी और आपको आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी. सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.